बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने भी जोरदार पलटवार किया है। दरअसल श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि जैसे युद्ध में सैनिकों की भूमिका अहम होती है, वैसे ही राजनीति में कार्यकर्ताओं का बड़ा होना जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जितनी कांग्रेस यात्राएं निकालेगी उतना ही भाजपा को फायदा होगा। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता गुलाब कमरू ने मंत्री जायसवाल पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास आज भी मजबूत सेना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की असलियत जनता के सामने आ चुकी है और पार्टी झूठे वादों के सहारे खड़ी है। 18 लाख आवास का वादा किया लेकिन विधानसभा में बजट शून्य है। इसके साथ ही उन्होंने श्याम बिहारी जायसवाल को सलाह दी कि अति उत्साह में बयानबाजी से बचे। किसी भी पार्टी के लिए यदि सदस्य नहीं है तो उस तरह जैसे किसी युद्ध में उसके सैनिक ना हो तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उसी प्रकार हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जब तक हमारे कार्यकर्ता की संख्या ज़्यादा नहीं होगी तो हम राजनीतिक क्षेत्र में कम काम कर पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बनाने का लक्ष्य रखा है और हमारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा लगातार सदस्य संख्या है बढ़ रही है। कांग्रेस के पास आज भी सेना है, आप देख लीजिए 400 का नारा लगाने वाले कहां पहुंच गए। कांग्रेस हमेशा अपने पैर में अपने दम पे खड़ी रहती है। बोर्ड लगा दिए 18 लाख आवास, विधानसभा में जानकारी लिए कितने लोगों को मिला तो बजट कितना बना देश का, जीरो। इस प्रकार का हाल है। नए जिले में अभी एक भी रुपये का कोई बजट आपके यहाँ नहीं आया है। श्याम बिहारी जी इतना अति उत्साह में जल्दबाजी में कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आज आपका देख लीजिए किस हाल में प्रदेश है।